सब्सक्राइब करें चर्चिकला टाइम टीवी को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। सत श्री अकाल जी, चढ़दी कला टाइम टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्पीड न्यूज़ में स्वागत है। मैं हूं मनदीप कौर खालसा, ते खबरों की शुरुआत कर लेने। एक जवाबदेही अदालत ने मंगलवार को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मुखी से नैशनल असैम्बली में विरोधी धिर के नेता शाहबाज शरीफ के खिलाफ पंजाब का मुख्यमंत्री रहने दौरान अहदे की दुरवरतों के दोष तय किए हैं। डान अखबार की खबर है कि शाहबाज के बेटे से पंजाब विधानसभा में विरोधी धिर के नेता हमजा के खिलाफ भी अदालत ने रमजान शुगर मिल्स मामले में दोष तय किया है। मध्य अमरीकी देश होंडुरास में इस साल डेंगू के नाल 12 लोगों की मौत हो गई। सेहत मंत्रालय के मुखी गुस्तावो उर्बिना ने इस संबंधी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि हाल के हफ्ते में इस रोग की चपेट में आने के 3 लोगों की मौत हुई है। मलेशिया एयरलाइंस के फ्लाइट अटेंडेंट के दोष लगे ने कि उसने मेलबोर्न में कैबिन क्रू वजो नौकरी दौरान हैरोइन की तस्करी की थी। फरीक अकबाल उमार नाम के 34 साल क्रू मैंबर ने दसिया कि वह अपनी गलती से माफी मांगता है। उसने मंगलवार को विक्टोरिया काउंटी कोर्ट में अपना कसूर कबूल लिया। खालसा पंथ के साजना दिवस को समर्पित विदेशों में सजाए जाने वाले नगर कीर्तन की लड़ी तहत इटली के वेरोना जिले में स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु नानक मिशन सन बोनिफाचो वालों समूह संगत के सहयोग के नाल सन बोनिफाचो शहर विखे विशाल नगर कीर्तन 13 अप्रैल को सजाया जाएगा। नगर कीर्तन का आरंभ 13 अप्रैल 12:30 बजे श्री गुरु ग्रंथ साहब की छत्रछाया हेठ पंजा पैरों के निशान जी सिंह की सुरुची अगुवाई में होगा। ब्रिटिश संसद मैंबरों ने सोमवार को एक नवा कानून बना के बिना किसी समझौते के ब्रेगजिट होने से रोक लगा दी है। संसद मैंबरों के इस कदम के मगरों हुण प्रधानमंत्री थेरेसा मे इस अलगाव लई यूरोपी संघ तो होर समा मंगण ते मजबूर हो गई है। बीते दिन पंजाबी कल्चरल एसोसीएशन के समूह मैंबर जिहड़े कि समय समय सिर उसारू धार्मिक सभ्याचारक ते समाजिक प्रोग्राम करवाउण करके हमेशा चर्चा में रहिंदे ने, उन्हां वल्लों विसाखी के मौके नूं मुख रख के स्थानक गुरुद्वारा सिंह सभा फ्रिजरों विखे विशेष गुरमत समागम करवाए गए। कैनेडा के अमरीका की सरहद न लगते इलाके में रहने वाले क्यूबिक वासियों इत्थे वधदी आवाजाई और शोर शराबे के कारण सरकार वालों 400,000 डॉलर तो वध दा मुआवजा देने ते सलाह मशवरा कर रही है। यह सब कुछ 2017 में इस सरहद के राही हजारों की गिनती में कैनेडा पहुंचे प्रवासियों के कारण इस सरहद इलाके में रहने वाले लोगों को हुई तंगी के संबंध में किया जा रहा है। ईरान की सुप्रीम नैशनल सिक्योरिटी कौंसल ने अमरीका को अतवाद को स्पॉन्सर करने वाला देश के खेत्र में मौजूद अमरीकी बलों को अतवादी संगठन ऐलान किया। सरकारी पत्रकार कमेटी इरना तो प्रस्तावित एक बयान में कहा गया कि यह कदम ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड को अतवादी संगठन ऐलान करने के अमरीका के गलत से मूर्खतापूर्ण कदम तो बाद ही चुकया गया है। फेसबुक ने अपने एक नुमाइंदे नु यूजर के घर में यह जानने लिए भेजा कि सियासी विषय से लिखी गई उसकी पोस्ट की असल में उसने लिखी है। एक यूजर ने ना ना दसन की शर्त में दसिया कि मैं लगता है कि पासपोर्ट की वेरीफिकेशन के लिए पुलिस मेरे घर आई है। फेसबुक के नुमाइंदे ने खुद को साबित करने के लिए मेरे आधार कार्ड और दूजे दस्तावेज मंगे जिस तो यह साबित हो सके कि वह सियासी पोस्ट मैं ही लिखी सी। इस तो बाद यह पता लगता है कि फेसबुक भारत में हो रही लोकसभा चुनाव लैके कितनी सुचेत है। फेसबुक ने नफरत और फिरकूपणे को बढ़ावा देने वाले कारकुना व्यक्तियों और जथेबंदियों के खिलाफ भी मोर्चा खोल लिया है। कैनेडा की कारकुन फेथ कोलजी से सख्त कार्रवाई करते हैं। उन्होंने फेसबुक खाते से रोक लगा दी गई है। कंपनी इस तरह के कट्टरवादी विचार से नफरत फैलाने वाले सारे समूहों खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इन्होंने फेसबुक की वरतों करने पूरी तरह पाबंदी लाई जा रही है। इस सूची में हूँ फेथ कोलजी का नाम भी शामिल हो गया है। अज दिन स्पीड न्यूज़ में बस इन्हें ही, हूँ तुम मैं दिया गया। धन्यवाद।